This is eighth lecture of the chapter Kinematics for Class 11 Physics. So in this lecture mainly we will discuss about the graph. ठीक है. So this is one of the important topic. Little bit complicated जिनका इनका mathematical analysis में थोड़ा command कम है उनको थोड़ा दिक्कतें होगा. बट ना ट्राई टू अंडरस्टैंड ना एंट्रेंस लेवल में ना मेनली एंट्रेंस के लिए ग्राफ से क्वेश्चन पूछता है. ग्राफ बेसिक ग्राफ को समझना है. जैसे ये पहला वाला ग्राफ में ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है. तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप होता है जो भी थीटा होता है वो क्या होता है मेनली वेलोसिटी होता है. आप ये सब पहले भी मैंने सिखा चुका हूँ. तो यहाँ पे आपको पूछेगा दो बॉडी का वेलोसिटी का जो स्लोप दिया हुआ है ए बॉडी एंड बी बॉडी किसका वेलोसिटी ज्यादा है. तो ऑब्वियसली बात है कि ए बॉडी का जो थीटा है स्लोप है वो ज्यादा है. हियर थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1. तो वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ व्हाट बी वेलोसिटी ऑफ बी. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप होगा दैट इज एक्चुअली वेलोसिटी. मोर द स्लोप मोर विल बी द वेलोसिटी. अभी देखो ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है. कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है 0 ए बी सी. अभी देखो यहाँ पे जो 0 टू ए जब बॉडी मूवमेंट हुआ है 0 टू ए तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा. मान लेते हैं वेलोसिटी वी वन है तो वेलोसिटी कितना होगा आपका. डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट हुआ है 10 मीटर. टाइम कितना सेकेंड लगा 10 सेकेंड. तो इस केस में वेलोसिटी कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड. ऐसे भी देखो यहाँ पे जो स्लोप होगा ना वो 10 थीटा ना स्लोप जो है वो 10 थीटा 10 यहाँ पे 1 होगा. आपको देखो 10 थीटा यहाँ पे 1 होगा. थीटा 1 45 डिग्री का होगा तो 1 होगा. तो यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे देखो आप ए टू बी यहाँ पे स्लोप 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगा. देखते हैं हम लोग ए बी मतलब वी टू मान लेते हैं वी टू. सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 0. ए में भी 10 है डिस्प्लेसमेंट. अब देखो बी में भी डिस्प्लेसमेंट कितना है 10. ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है. हाँ ये डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट है. बी भी सेम पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ लेकिन टाइम कितना है 5 सेकेंड. मतलब ये 5 सेकेंड में बॉडी यहाँ पे रुका हुआ था हॉल्ट है. तो यहाँ पे क्या होगा आपका 0 मीटर पर सेकेंड 0 मीटर पर सेकेंड. फिर देखो आप बी टू सी मान लेते बी थ्री है. सो हियर वन थिंग इट इज नॉट रिटन एक्चुअली दिस डिस्प्लेसमेंट इन मीटर. एक्चुअली दिस इज गिवन 15. सो सी हियर एट पॉइंट बी द डिस्प्लेसमेंट वॉज 10. एट पॉइंट सी द डिस्प्लेसमेंट इज 15. सो वॉट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट हियर 5. एंड टू हैव दिस डिस्प्लेसमेंट वी हैव द टाइम हाउ मच 20 माइनस 15 इट इज 5. सो दैट इज वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड. हियर ऑल्सो सी द स्लोप इज 45 डिग्री. इट मीन्स 10 45 1. स्लोप जनरली स्लोप गिव द वेलोसिटी. सो इस टाइप का क्वेश्चन मेनली आता है. थोड़ा सा एनालिसिस करके पहले मैंने सिंपल एग्जाम्पल लिया. धीरे धीरे मैं कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लूंगा. ओके सी इन दिस क्वेश्चन ग्राफ इज गिवन. ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम हियर दिस ए पॉइंट ए बी पॉइंट सी पॉइंट. ओके सो ओ टू ए द वेलोसिटी वुड बी हाउ मच. वेलोसिटी कंसिडरिंग पी वन द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 10 एंड टाइम टेकन इज 5. इट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड. अगेन ए टू बी सी इट इज सीन सिंपली नो स्लोप. स्लोप नो मीन्स वेलोसिटी इज 0. सो कंसिडरिंग दिस v2 द डिस्प्लेसमेंट इज 0 बिकॉज एट
point A, displacement was 10. At B also the displacement is 10. It means body is not displaced. But time is taken 10. Time is taken 10. So here the velocity would be 0 meter per second. Again B to C, considering B3, the displacement at point B is 10, but at point C is 0. Means displacement how much? Minus 10. 0 minus 10, it is minus 10. Okay? So time taken is 10, so it is minus 1 meter per second. हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. देखो अभी यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप जीरो है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है. स्लोप नेगेटिव है, अब देखो ध्यान से, स्लोप नेगेटिव है. ओके, स्लोप नेगेटिव होने से वेलोसिटी भी क्या होगा? नेगेटिव होगा. वेलोसिटी से व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी. तो ये यहाँ पे आपको ये पार्ट में गलती नहीं होना, ठीक है. सो इन दिस केस फाइंड द वेलोसिटी. Means displacement time graph is given here. At 0 second, the displacement was 10 meter. At 5 second, displacement is what? 0 meter. Actually, here the velocity would be y2 minus y1 divided by x2 minus x1. See, here it will be the minus 10. y2. यहाँ पे y का वैल्यू कितना है? x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है. यहाँ पे y1 कितना था? 10 था. तो -10 है ना, -10. टाइम हियर x2 इज हियर 5, हियर x1 इज 0. इट मींस टाइम टेकन इज 5. द वेलोसिटी विल बी 2 मीटर पर सेकंड, -2 मीटर पर सेकंड. ऑब्वियसली बात है, स्लोप नेगेटिव है. स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होगा? नेगेटिव में होगा, ठीक है. One interesting question. Displacement versus time graph is given. Find correct VT graph. Okay. थोड़ा देर पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था, मतलब ना 5 सेकेंड, जब टाइम्स 5 सेकेंड है तब डिस्प्लेसमेंट 0 है. जब 0 सेकेंड था डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर. तो इस थोड़ा देर पहले इसका वेलोसिटी हमें कितना मिला था? -2 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो अभी हम लोगों को ये ग्राफ को ट्रांसलेट करना है किसमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में. अभी देखो ये ऑप्शन में क्या है आपका, वेलोसिटी मोटामोटी कांस्टेंट है. यहाँ भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, हर एक जगह वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी नेगेटिव में है, ठीक है. मतलब -2 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है मतलब बॉडी वापस आ रहा है. से बॉडी, हम लोग स्कूल से कोई एक गाड़ी जा रहा है, तो जा रहा है तो मान लो कि हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, आ रहा है तो क्या मानेंगे? नेगेटिव. डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है और जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है. पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव मानेंगे, उल्टा में क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे. ओके, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है, बॉडी कहीं से आ रहा है, डेस्टिनेशन में आ रहा है, ठीक है. मैं डेस्टिनेशन में, कोई बॉडी मेरे पास आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है टाइम के साथ. ओके, सो आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, हर एक पॉइंट में टेंजेंट थीटा क्या होगा? सेम होगा, थीटा सेम होगा, ठीक है. स्लोप सेम होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है. यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट में वेलोसिटी सेम है. मान लेते हैं 2 है तो, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव में है तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है. वेलोसिटी किस में है? इस ग्राफ में नेगेटिव में है. यहाँ पे देखो वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो ये भी तो नहीं हो सकते. वेलोसिटी तो कांस्टेंट है हर एक पॉइंट में, ठीक है, हर एक पॉइंट में कांस्टेंट है. तो इस केस में वेलोसिटी वेरिएबल में है, लेकिन आपका नेगेटिव में बढ़ते जा रहा है, ये भी तो हो नहीं सकता है. यहाँ पे देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है बट नेगेटिव में. मान लो ये जो वैल्यू है -2 है, तो ये भी -2 होगा, ये भी -2 होगा, हर एक पॉइंट में वेलोसिटी क्या है? -2 है. सो इट्स द करेक्ट. तो ये आपको आर्ट समझ में आना चाहिए. आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा ट्रांसलेट करना आना चाहिए, ठीक है. थोड़ा सा ये सिंपल था, कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड होगा. दो सिंपल ग्राफ दे रहा हूं, ये दोनों ग्राफ से कुछ समझने की कोशिश करो.
डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अभी देखो अगर ये ग्राफ ऐसा होता, मैंने सब सिखाया पहले कहीं ना कहीं सिखा, ये ग्राफ अगर ऐसा है तो टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट होगा थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, तो हर एक पॉइंट में स्लोप क्या है सेम है, इसका मतलब हर एक पॉइंट में वेलोसिटी क्या है सेम है। लेकिन यहां पे देखो आप स्लोप सेम नहीं है, इस बार मैंने स्लोप को ना एक्स एक्सिस के साथ ड्रॉ करूंगा, जैसे यहाँ पे स्लोप होगा, ये स्लोप है मान लेते हैं, यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे मान लेते टेंजेंट है, ऐसा होगा टेंजेंट, ये टेंजेंट है ये पॉइंट में थीटा वन, सब ये पॉइंट में हम टेंजेंट ड्रॉ करते तो ऐसा आएगा, सर प्रॉब्लम हो रहा है ड्रॉ करने में, ठीक है ये थीटा टू, थीटा टू, इसका मतलब इस पॉइंट में वेलोसिटी थीटा वन है, इस पॉइंट में वेलोसिटी कितना होगा थीटा टू, यहाँ पे देखो थीटा टू ग्रेटर देन क्या होगा थीटा वन, इसका मतलब है इस केस में आपका वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी क्या है वेरिएबल है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप जो है ना ध्यान से सुनना मैं बहुत सारा पॉइंट बता रहा हूं, स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इस ग्राफ में वेलोसिटी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट है ना वेरिएबल हो तो आपको निकालना आना चाहिए, वो हो जाएगा। इस केस में हर एक पॉइंट में स्लोप क्या है सेम है, स्लोप सेम है, ठीक है स्लोप सेम है, बाबे इसको अभी इसको अगर ड्रॉ नहीं करने से भी देखो, ये अगर लाइन में ड्रॉ नहीं करने से भी ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ हर एक पॉइंट कांस्टेंट एंगल में है, तो यहाँ का स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, बट वेलोसिटी पॉजिटिव है, इस केस में वेलोसिटी क्या पॉजिटिव है, थीटा स्लोप पॉजिटिव है, थीटा पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, इस केस में आपका वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव कैसे निकाला मैंने स्लोप पॉजिटिव है, एंड वेलोसिटी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हर एक पॉइंट में थीटा बढ़ते जा रहा है, देखो ग्राफ ऐसा था। फिर और एक बात यहाँ पे आएगा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये थोड़ा देर में बात करूंगा, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इन दिस रिगार्ड्स देखो आप अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं ऐसा होगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसा आएगा, इसका मतलब यहाँ पे थीटा अगर वन है यहाँ पे थीटा टू है तो ऑब्वियसली बात है थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू इन दिस रिगार्ड्स, तो इस केस में आपका वेलोसिटी जो है वेरिएबल है, वेरिएबल, और वेलोसिटी आपका नीचे आ रहा है तो देखो यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन जब नीचे आ रहा है कर्व जो नीचे आ रहा है तो ऊपर वाला पार्ट जो आगे का पार्ट है ना वो वेलोसिटी क्या है नेगेटिव नेगेटिव है, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है वेलोसिटी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, ऐसा ड्रॉ करने से अच्छा था कि हर एक पॉइंट में वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे स्लोप आपका नेगेटिव में आएगा, स्लोप नेगेटिव स्लोप आएगा, तो यहाँ पे क्या है स्लोप हमेशा क्या है पॉजिटिव है। सो देखो वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप होगा वो क्या है दैट गिव वेलोसिटी, हर एक पॉइंट का स्लोप अगर सेम है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट का स्लोप अगर डिफरेंट है तो वेलोसिटी क्या वेरिएबल है, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या है नेगेटिव है, इतना सारा बातें क्लियर हो गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर दिया है तो आपको वेलोसिटी वेरिएबल होगा ना कॉन्स्टेंट होगा ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा आपको निकालने आ जाएगा, इतना मैंने बता दिया। और एक बात है अगर स्लोप जो है लेस देन अगर 90 डिग्री है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कंसिडर किया जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल अगर लेस देन 90 है तो वेलोसिटी क्या होगा स्लोप पॉजिटिव है, अगर ग्रेटर देन 90 है तो एक्स एक्सिस के साथ अगर ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप क्या होगा नेगेटिव आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा। अभी देखो अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन
पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा उसके बारे में नहीं सीखा। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, अगर ग्राफ कॉन्सेप्ट अपवर्ड है, देखो ऐसे बुक में आपको अच्छे से नहीं मिलेगा, इस वेंटेंस का पार्ट है ठीक है मेनली, तो ऐसे में सीखना भी है, सीखने से क्या होगा फायदा होगा, तब बोर्ड लेवल में बहुत सिंपल हो जाएगा ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट अपवर्ड है, कॉन्सेप्ट अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रहेगा अपवर्ड ग्राफ होने से, ऐसे ग्राफ होने से एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड है, कॉन्केव डाउनवर्ड है ट्रिक है, एक्सेलरेशन क्या होगा आपको नेगेटिव होगा, क्यों होगा धीरे धीरे आपको ऐसे भी फीलिंग्स आ जाएगा। और एक बात इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन अगर सेम है, साइन सेम मतलब दोनों पॉजिटिव होने से पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होने से नेगेटिव होगा, तब स्पीड क्या होता है इंक्रीज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी और स्पीड सेम नहीं है, वेलोसिटी फैक्टर है, स्पीड क्या स्केलर है ठीक है। अभी देखो और वेलोसिटी जैसे माइनस में होता है ना, स्पीड माइनस में नहीं होगा, स्पीड हमेशा क्या होगा पॉजिटिव में आएगा। अभी देखो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का साइन अगर ऑपोजिट है देन स्पीड क्या होगा डिक्रीज होगा, यहां से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, आपको ग्राफ से क्वेश्चन मिलेगा एंट्रेंस में, देखते हैं लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल। अभी इस ग्राफ में आपको जो ग्राफ दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये ग्राफ में आपको पता करना है कि स्पीड डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अभी देखो कॉन्केव अपवर्ड है, कॉन्केव अपवर्ड का एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव है। अभी हम लोग की कोई भी पॉइंट एक ले लेते हैं और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अभी देखो मैंने हमेशा बताया एक सक्सेसिव एंगल कितना बताया, देखो ये एंगल ग्रेटर देन क्या होगा 90 ठीक है, एक सक्सेस के साथ टेंजेंट ने ग्रेटर देन 90 एंगल बने तो वेलोसिटी क्या होगा नेगेटिव में होगा, स्लोप नेगेटिव है, ये एंगल नहीं लेना है हमेशा इसको लेना है। अभी देखो फिर से देखो कंफ्यूजन नहीं होने के लिए फिर से बताता हूं, अभी देखो ये जो एक सक्सेस थीटा क्या है लेस देन 90 है तो वेलोसिटी क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है नेगेटिव है। अभी देखो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का साइन क्या है ऑपोजिट है, तो स्पीड क्या होगा आपका स्पीड स्पीड वुड बी डिक्रीज्ड। थोड़ा थोड़ा आइडिया लेने की कोशिश करो, वीडियो लेक्चर है समझाना फिर डिफिकल्ट होता है ठीक है, तभी कोशिश कर रहा हूँ समझने की कोशिश करो, जितना आगे आगे बढ़ के रखेगा रखेगा तो उतना आपको जब फिजिकल क्लास होगा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम दिया हुआ है, आपको पता करना है स्पीड इंक्रीज होगा ना स्पीड डिक्रीज होगा। अभी देखते हैं कॉन्केव डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन क्या है आपका, एक्सेलरेशन होगा आपका पॉजिटिव, डाउनवर्ड में नेगेटिव होगा नेगेटिव ओके, डाउनवर्ड होने से क्या होता है एक्सेलरेशन नेगेटिव। उसके बाद देखो स्लोप ड्रॉ करते हैं, किसी भी एक पॉइंट में स्लोप ले लेते हैं, ये पॉइंट में स्लोप होगा ऐसा, इसमें स्लोप होगा ऐसा, तो स्लोप थीटा ग्रेटर देन 90 ना तो वेलोसिटी क्या होगा आपका माइनस में होगा, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है, जो करना थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझ जाना ठीक है। स्लोप स्लोप टेन थीटा, सो दोनों का साइन क्या है आपका सेम है, साइन सेम है तो स्पीड क्या होगा इंक्रीज होगा, स्पीड क्या हो रहा है आपका इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज हो रहा है। और एक बात याद रखना स्पीड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, पर डिस्टेंस हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली डिस्टेंस रिलेटेड क्या होता है स्पीड, बार बार इसे रीक क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है ठीक है पॉजिटिव होगा। तो इस ग्राफ में देखो आप, इस ग्राफ में ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये कॉन्केव अपवर्ड है, अपवर्ड होने से एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा। अभी देखो वेलोसिटी निकालते हैं तो कोई पे भी पॉइंट में हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ तो देखो टेंजेंट देखो थीटा जो है स्लोप जो है लेस देन 90 डिग्री हो रहा है यानी वेलोसिटी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, तो दोनों का साइन सेम है तो स्पीड क्या होगा इंक्रीज हो रहा है, स्पीड स्पीड क्या होगा इंक्रीज होगा। ये दोनों इंफॉर्मेशन इतना मालूम चल रहा है, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ के हिसाब से स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कौन सा होगा,
यू आर गिवन फॉर ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे स्पीड क्या है, नेगेटिव है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या है, स्पीड, हाँ पहले हम लोग बाकी लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या मिला, स्पीड इंक्रीज होगा, तो ये भी नहीं हो सकते है। यहाँ पे स्पीड कॉन्स्टेंट है और नेगेटिव है, कॉन्स्टेंट है और नेगेटिव है, ठीक है, एक तो नहीं हो सकता है। तो ये है आपका स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ, स्पीड इंक्रीज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। लॉजिक से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। एंड वी हैव अनदर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सपोज वी हैव अ ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, सपोज दिस इज अ ग्राफ, सो हियर इन दिस पॉइंट, इन दिस पॉइंट द स्लोप इज जीरो, तो हियर द वेलोसिटी मींस ds / dt इज इक्वल टू जीरो। So you have to know in which point the velocity becomes zero. Okay, here the velocity will be increase in this part. Here velocity decrease. Not velocity increase. Here the velocity is positive. Here velocity is negative. Up to this part velocity is positive. Slope is positive. Here velocity is negative. Okay. So another important concept. Suppose we have this graph, displacement versus time graph is this. So see, in same time, in this means, in this case, in same time the body is in different position. Is it possible? So आपको पूछेगा कि नीचे का कौन सा displacement versus time graph नहीं हो सकते, तो ये graph possible नहीं है, ठीक है। तो अभी मोटा मोटी आपको graph के बारे में idea हो गया, displacement versus graph, हाँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, स्पीड इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल मोटा मोटी कॉन्सेप्ट बता दिया। तो हम लोग अभी मेनली यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड वेलोसिटी दिया है तो एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन दिया है तो वेलोसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आपको डिफ्रेंशिएट करना है, वापस आने के लिए क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और एक बात याद करना, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी एरिया होगा डेट विल गिव द व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेट करना मतलब टोटल एरिया निकालना, ओके। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा आपको, डेट विल गिव वेलोसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट छोटा छोटा पॉइंट है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ माइनर कॉन्सेप्ट, ओके, बट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है क्योंकि आप लोग 9, 10, 8 में इसका रिगार्डिंग कुछ भी करके नहीं है, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। वहाँ पे सीधा सीधी था, यहाँ पे सीधा सीधी नहीं है, यहाँ पे बहुत एनालिटिकल है, सबसे आपको एकदम मतलब पार्ट पार्ट आपको समझना है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का एक वीडियो बनेगा और एक मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी का एक वीडियो होगा। दो वीडियो में आपको मोटा मोटी ये पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग न्यूटन्स लॉ डिस्कशन करते हैं, ओके। अभी फिजिक्स में एक्सेलरेशन आ जाएगा, मतलब सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जितना पढ़ा दिया उतना लेकिन क्लियर करो सबसे पहले, ओके, फाइन।